ये साथियों 8 तारीख का सवाल है, किसानों का सवाल इसके साथ में है। किसानों के जो सवाल हैं उसमें जो किसानों के प्रमुख सवाल हैं वो फसल के दाम, दो तीन प्रमुख सवाल है। खेती को बचाना है तो पहले तो कॉर्पोरेट से दूर करना पड़ेगा। हर कंपनी वाला सट्टा बाजार, जब प्याज आती है बाजार में 2 रुपए किलो होती है और बाद में 200 रुपए किलो बिकती है, ये सारा सटोरिये लगे हुए हैं। ये सटोरियों को सरकार प्रमोट कर रही है। किसान को बचाना है तो उसका लागत का 1.5 गुना दाम मिलना है, तभी किसान बचेगा। खेती का जो उसका लागत है उसका 1.5 गुना दाम नहीं मिलेगा तो वो नहीं बचेगा। ये किसान का सवाल है। और जो उसका मूल्य तय हो, जो मूल्य तय हो उस मूल्य पे खरीदी हो, दो ही प्रमुख सवाल है कि उनका लागत का 1.5 गुना मूल्य जोड़ के उनका लागत तय हो, और जो लागत हो उस मूल्य पे मंडियों में, दुकानों में उस मूल्य पे खरीदी हो। और तीसरा जो पार्ट है किसानों का, कि आपकी गलत नीतियों के कारण से किसान कर्जे में फंस गया, उस ऋण में फंस गया। एक बार आप पूंजीपतियों के लाखों हजार करोड़ों रुपए माफ कर सकते हैं, तो एक बार किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करो, संपूर्ण कर्जा माफ करो और उसको सामाजिक सुरक्षा दो, शिक्षा का आप सस्ती करो, उसको सहयोग मिलेगा, उसके बच्चे को पढ़ाने में कम पैसे लगेंगे, स्वास्थ्य सस्ता करो ताकि उसका इलाज में कम खर्चा हो, सरकार की तरफ से उसको कम पैसे में इलाज मिले, तो उसका फसल में जो मेहनत से पैदा करा उस पैसे को उसके बाद 2 पैसे हों। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है, ये सवाल किसान है। उसको पेंशन का व्यवस्था हो, बुढ़ापे में कुछ नहीं है उसके पास। किसान हमारा देश बनाता है, भारत अन्नदाता है वो। बाकी किसान की सारी नीति ऐसी है जो सरकार बना रही है उसमें किसान को मार रहे हैं, किसान को बर्बाद करने का नीति है। बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट्स, पूंजीपति, बड़े बड़े लोगों का खजाने भरने का नीति है। ये नीति पलटा जाना चाहिए, ये एजेंडा किसानों का है। तो आज इस एजेंडे को भी देश की पूरी जनता को समर्थन करने की जरूरत है। मजदूर किसान कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान, भारत का मेहनत कश और किसान जवान, तो यही संकट में है साथी। तो इसे 8 जनवरी का जो हड़ताल है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भी हम बहुत सारे वीडियो डालेंगे, मगर मेरे को लगा है कि छोटा सा वीडियो आपको समझाने के लिए कि 8 जनवरी की हड़ताल क्यों हो रही है, क्यों हड़ताल करना पड़ रही है। बहुत सारे नीतिगत सवालों पर अलग अलग चर्चा आएंगे। मोटा सवाल यही है जो मैंने मोटे मोटे 2-3 सवाल रखे, इसी ही समझ में आ जाएगा हमारा, तो हम असल बात को समझ जाएंगे। तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि 8 जनवरी की देशव्यापी हड़ताल जो हो रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के नागरिक, यूथ, किसान, व्यापारी, मजदूर सब लोग शामिल हो सकें, ताकि ये सरकार की गलत नीतियों को रोका जा सके। तो ये साथियों का एजेंडा था जो मैंने आपके सामने रखा है। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू साथियों।